संबल जनपद में लगता है कानून का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। दो दिन पूर्व गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंगों ने पत्रकार के साथ मारपीट की, वे भी एसडीएम कोर्ट के बाहर, लेकिन पुलिस ने इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब दूसरा मामला जनपद संबल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहाँ पर नगर में ही किराए पर रहने वाली एक नाबालिग किशोरी के साथ मकान मालिक के बेटे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब उसने इस घटना को अंजाम दिया, उस वक्त नाबालिग किशोरी के घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। पिता अपने काम पर गए हुए थे और माँ अपने बेटे के साथ रिश्तेदारी में गई हुई थी। जब रिश्तेदारी से लौटकर आई तो बेटी ने रोते हुए अपनी माँ को साथ हुई इस घटना के बारे में बताया। जब महिला इस बात की शिकायत करने मकान मालिक के घर गई तो मकान मालिक की पुत्रवधू ने उस महिला के साथ मारपीट की और वहाँ से भगा दिया। पीड़ित थाने में तहरीर देने गई, पुलिस ने तहरीर तो ले ली लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। जब मीडियाकर्मी थाने में इस बारे में जानकारी करने गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं आया है। जब तक पुलिस ऐसे पीड़ितों की मदद नहीं करेगी तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? अब देखना यह है कि इस मामले में जनपद के आला अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए क्या कार्य करते हैं। आपके साथ क्या घटना हुई है? बलात्कार किया। किसने किया? आनंद सक्सेना ने। ये कहाँ रहता है? गोपाल मोहल्ले में। गोपाल मोहल्ले में। कितने बजे की घटना है ये? 11 बजे। आपके परिवार के लोग नहीं थे यहाँ? नहीं थे। मम्मी घर पर, पापा काम कर रहे थे, दीदी मेरी किसी काम से बाहर गई थी और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी थी। तो आप चीखी चिल्लाई उसको आवाज़ दिया थी? मैंने चीखा तो उसने मेरा बंद कर दिया, कह रहे अगर तू जरा सी आवाज़ करेगी तो तेरे घर वाले तेरे भाई को जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था तरह तरह की, मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, बदतमीजी करती है। कितनी उम्र की हो आप? मैं 14। और वो? वो 25 साल का है। क्या करता है वो? बी फार्मा। आप कौन सी कक्षा पढ़ते हैं? 10 क्लास के पेपर दिए हैं। उसके पास कोई हथियार था? उसके पास कोई हथियार नहीं था। अब तो आपने थाने में कोई तहरीर वगैरह दी है? हाँ। तो क्या हुआ उस तहरीर पर, कोई कार्रवाई की? अभी तो कुछ हुआ नहीं, वो कह रहे मुजरिम आएगा तभी बात होगी। नहीं मुजरिम आएगा, वो तो भाग गया होगा यहाँ से। हाँ, वो तो भाग गया। तो आप किसी अधिकारी से मिले, पुलिस के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? हाँ, घर आए। तो पुलिस का क्या कहना है इस मामले को लेकर? कह रहे अभी बात होगी, अभी कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं हुआ इस मामले? नहीं। आपने कोई लिखित में शिकायत की पुलिस से? पुलिस मौके पर कौन से मोहल्ले का रहने वाला है जो युवक? मोहल्ले का ऊपर रहता है। नहीं, मोहल्ला कौन सा पड़ता है? गोपाल मोहल्ला। उसके पिताजी का नाम क्या है? गिरीश चंद सक्सेना। क्या करते हैं? तुझे परिवार के लोग आए तो आपने शिकायत की उसे? करी थी, मम्मी करने गई थी और ऊपर से उल्टा मेरे घर वालों को मारा, उसने मेरी मम्मी का साथ देख लो। नहीं, क्या व्यवसाय करते हैं उसके पापा? एडवोकेट है। क्या कहीं दबाव तो नहीं है आपके ऊपर कोई इस चीज के लिए? दबाव? ये दिन की घटना है आज दोपहर की। आपकी बेटी के साथ आज क्या हुआ? आज तो भैया हम मेहमानदारी में से आए तो हम गए पूछने जी, तो कल की बात है जी। क्या घटना हुई थी? क्या घटना हुई बेटी जी? बता रही हूँ, छोटू नाम का लड़का आया सक्सेना से, क्योंकि कोई जवरिया ले गया इसे और इसे धमकी दे रहा है, जो भी उसने कराया इसके कहना भैया को जाना है। कोई बदतमीजी हुई आपकी बेटिया के साथ? हाँ, उधर ले गए पलंग दूसरा खा लिया उसमें, और एक गेट और है। आपकी बेटी जो है नाबालिग है? हाँ। कितनी उम्र है उसकी? 14 साल है। तो आप वो युवक जो है? हाँ, गए हम। पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं की? अभी तो कुछ ना, वैसे आए तो है उन्हें, क्या बोले वो? बोले उसे बुलाओ। तो फिर आपने बुलवाया? हाँ, वो नहीं आया है। जब वो जो युवक है वो कितनी उम्र का होगा? वो 25 का होगा। उसके पिताजी क्या करते? कुछ ना, लिटा रहे हैं, मतलब घर ही रहते हैं, घर ही रहते हैं, वकील हैं। वकील हैं? अच्छा, अभी धमकी दे रहे हैं आप लोग? क्या धमकी दे रहे हैं आप लोगों को? तेरा कुछ नहीं होगा, हम बराबर में इससे ही बहुत झगड़ा हुआ है, इसने हमसे बहुत मतलब ज्ञान ज्ञान सब ले लोग कुछ नहीं कर पाओगे हमारे। और जो ये ऊपर है उनने मतलब देखा है, उनने भी ज्ञान करे आपसे हमारे ऊपर तक पहुँचे, आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। आपके साथ मार पिटाई किसने की? उस लड़के ने और दो बंगों ने, दो लड़कों। तो आप दोबारा थाने नहीं गए? ठीक है, गए तो वो जब ही आए थे मांगने के बाद, मम्मी पहले तो देख पूछने गई थी उनसे, पूछने गई मैं, उसने बहुत मारा है मुझे।